हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा रियल लाइफ एनीमे का एपिसोड नंबर 15। तो चैनल पे पहली बार टपके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। तो एपिसोड स्टार्ट होता है आओबाई स्कूल के फेस्ट से। तो यहाँ पे इनका फेस्ट शुरू हो चुका है। आज इनका फेस्ट है और सभी ने मेड और बटलर के कपड़े पहने हुए हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं। हानुका मिलती है याकी और नोबू से, जो रेना है वो काजुओमी से मिलती है, और यहाँ पे काइजाकी भी आता है, एरेटा काइजाकी। और यहाँ पे चीज़रू आके उसकी टाई भी ठीक करती है, तो एरेटा ये देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चीज़रू है वो बैठी हुई है और पर्चे बांट रही है फेस्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पे काइजाकी आ जाता है और उनकी टीचर भी आती है, जो बोलती है कि चीज़रू तुम्हें फेस्ट घूमना चाहिए थोड़ा, और एरेटा को बोलते हैं कि तुम इसे क्यों नहीं घुमाते। तो उसके बाद एरेटा और वो दोनों मिलके फेस्ट घूमने के लिए चले जाते हैं। तो इसके बाद जब रियो ने चीज़रू को मना कर दिया था बताने के लिए कि एरेटा टेस्ट सब्जेक्ट है या नहीं, तो चीज़रू खुद ही फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करती है, और एरेटा को वो पीछे से आके उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है। एरेटा ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे देखता है और बोलता है कि ये तुमने क्या करा, बिल्कुल ही तुमने एकदम से कर दिया, मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी इस चीज़ की। तो उसके बाद चीज़रू उसे बोलती है कि मुझे हक करो, तुम हक करने के लिए बोलती है उसे। तो एरेटा बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। इसके बाद चीज़रू इस सिचुएशन से ये पता करती है कि या तो जो एरेटा है वो अडल्ट है, इसलिए उसे अजीब सा लग रहा है और मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जब मैंने उसका हाथ पकड़ा, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई अडल्ट नहीं है, ये हाई स्कूलर ही है, और वो मेरा बर्ताव देख के ऐसे हरकतें कर रहा है क्योंकि मैं थोड़ी ऑड भी हूँ। तो ये सब वो यहाँ से डिडक्ट करती है ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाम हो चुकी है और फेस्ट ख़त्म होने को है, और यहाँ पे बोनफायर के टाइम पे एरेटा जो है वो रियो से बोलता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं इन सब की मेमोरीज से मिट जाऊँगा जब ये रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा। और एरेटा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जो रियो है उसे करेक्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम इनकी ज़िंदगी में एक मार्क छोड़ के जाओगे, अपना निशानी छोड़ के जाओगे एक, क्योंकि तुम्हारी वजह से इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो हो नहीं पाती अगर तुम नहीं होते यहाँ पे। तो और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो आन है वो चीज़रू से भी है कि तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुमने एक स्टेप आगे लिया है और किसी ऐसे को पसंद करा है काइजाकी जैसे। और वो उसे कहती है कि अगर ये चीज़रू होती पहले वाली तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो एरेटा है वो अपने टीचर के साथ बैठा हुआ है, और उसकी टीचर उससे पूछ रही है कि तुम कहाँ पे जाना चाहते हो, कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हो। तो एरेटा जो है वह आओबा के कॉलेज को चुनता है जो कि इनके स्कूल से एफिलिएटेड है। और जो इसके बाद वो बाहर आता है और वो अपने फ्रेंड्स को काजुओमी को भी बताता है कि मैंने भी आओबा यूनिवर्सिटी चुनी, तो काजुओमी खुश हो जाता है और कहता है कि अब हम सब एक ही कॉलेज में जाएंगे क्योंकि जो चीज़रू है उसने भी आओबा यूनिवर्सिटी चुनी है। तो यहाँ पे सब इन्होंने एक ही कॉलेज चुन लिया, लेकिन एरेटा के दिमाग में और चीज़रो के दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि हमने चूज़ तो कर लिया है लेकिन अभी नहीं क्या पता है कि हम इन्हें ज्वाइन ही नहीं करने वाले, और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद इनके दिमाग से हमारी सारी मेमोरीज़ मिट जाएगी और हम इनसे अलग हो जाएंगे और हम कभी कॉलेज जा ही नहीं पाएंगे इनके साथ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो एरेटा है वो रियो से बोल रहा है कि क्या मेरा वापस से एडल्ट बनना ज़रूरी है, क्या मैं नहीं अपने इन फ्रेंड के साथ रह सकता, अपनी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ इन्हीं के साथ नहीं गुजार सकता। तो यहाँ पे जो रियो है वो एरेटा को बताते हुए बोलता है कि देखो एरेटा, ये जो तुम अभी सोच रहे हो कि तुम एडल्ट बनने वाले हो तो वो तुम्हारी रियल फॉर्म है, ट्रू आइडेंटिटी है एरेटा काइजाकी, और अब जो तुम्हारा जो सोच है वो तुम्हारी जो अब तुम बन चुके हैं वो पुराने वाले एरेटा बन चुके हो जो तुम पहले थे इस रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट की वजह से, और यही इसका मकसद भी था। तो तुम ये मत भूलो कि जो ओरिजिनल काइजाकी है वो कोई हाई स्कूल का नहीं है, वो एक अडल्ट है, और जो हाई स्कूल का काइजाकी है वो सिर्फ एक एल्यूजन है। और बोलता है कि इसलिए ये सब तुम्हारा लिए समझना ज़रूरी है, और ये सब सुन के एरेटा वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो आन है वो चीज़रू के बारे में रिपोर्ट लिख रही है, वहाँ पर रियो आ जाता है फिर तभी, और इसके बाद जो आन है वो उसे चीज़रू के बारे में बताती है, और उसके बाद वो कहती है कि ये बहुत ही सैड है, और वो चीज़रू एरेटा के बारे में बोलती है कि अगर ये दोनों इन दोनों को हमने एनकरेज करा है क्लोज़र लाने के लिए दोनों को, और क्या पता कि ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप इनके ऐसा जगह पे आ जाए कि रिलेशनशिप में आ जाए और बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो जाए दोनों, लेकिन
एंड में ये होगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट सब्जेक्ट नहीं होता कोई भी, तो एक के दिमाग में दूसरे के बारे में मेमोरीज रहती, चाहे दूसरे के दिमाग में नहीं भी होती, लेकिन ये दोनों ही टेस्ट सब्जेक्ट हैं। और अब टेस्ट सब्जेक्ट होने के वजह से इन दोनों के दिमाग में रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बाद दोनों के रिलेटेड कोई भी मेमोरीज नहीं रहेगी, ना ही एक दोनों को जानेंगे। अपनी हाई स्कूल की मेमोरीज रह जाएगी इनके दिमाग में। तो और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा सैड है। तो इस पर रियो बोलता है कि यही जो है रियल लाइफ का एक रूल है, रियल लाइफ लैब का, और हम उनके हैंडलर होने की वजह से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का एक ही मकसद है कि अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना, और जो कि हम ये करवा रहे हैं उनके एज ए हैंडलर, और हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते बल्कि उनको देख के उनके रियल सेल्फ के साथ खुद उनके साथ रह के। तो रियो यहाँ पे उसे थोड़ी सी ऐसी एनकरेज करता है आन को कि तुम्हें ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके सर पे हाथ रख के उसे दिलासा देता है, और आन कहती है ओके। इसके बाद रात में हिशिरो अपने बेड पे सोच रही है कि यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है कि वो पता लगा सके कि जो एरेटा है वो टेस्ट सब्जेक्ट है या नहीं, और लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर सकती। अब अगला दिन आ जाता है जो कि दिन की ग्रुप क्लास फ़ोटो का, आज इनकी फ़ोटो खींचनी थी। तो इस पे जो चीज़र हुआ है वो आन से बोलते कि इस फ़ोटो का क्या होगा, हमारी फ़ोटो नहीं दिखाई जाएगी बाद में जब हमारा रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आन उस पे कहती है कि ये जो है रियल लाइफ का डिफरेंट डिपार्टमेंट देखता है फ़ोटो वगैरह से काम रिलेटेड। तो आन वो जो चीज़रू और जो एरेटा होते हैं वो यही सोचते हैं कि मतलब कि हम रियल लाइफ के इस ग्रुप फ़ोटो में एक गोस्ट की तरह हो जाएंगे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद, जो दिखेंगे ही नहीं किसी को। इसके बाद उनकी ग्रुप फ़ोटो खींचने के लिए आती है और वो सब के सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और सब लाइन में खड़े हो जाते हैं सब के सब। इसके बाद जैसे ही फ़ोटो खींचने वाली होती है, जो एरेटा होता है वो चीज़रो की तरफ देखता है और बोलता है कि चाहे क्यों ना वो एक छोटी सी मेमोरी क्यों ना हो मेरे बारे में। और चीज़रो फिर एरेटे की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी उसमें भी। और दोनों एक ही चीज़ दिमाग में सोचते हुए आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, ये एपिसोड जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, बहुत ही इमोशनल एंड सैड भी था। तो यहाँ पे इनका जो स्कूल लाइफ है वो बिल्कुल एंड पे आ चुकी है, जहाँ पे एरेटा और चीज़रू का रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने को इनका साल एंड हो चुका है, बिल्कुल ही लगभग होने वाला है। सो गाइज़, एपिसोड के आगे इसके क्या होता है वो देखने के लिए आपको एपिसोड नंबर 16 देखना पड़ेगा, जो कि मैं डालूंगा कुछ टाइम बाद। सो चैनल पर बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर दो यार, दबा के शेयर नहीं करते हो भाई। एक बंदा अगर एक शेयर भी करेगा तो भाई थोड़े बहुत सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे। भाई सब्सक्राइबर बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो गाइस हेल्प करो मेरी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने में, क्योंकि भाई आपको मैं कंटेंट ऐसे ही देता रहूँगा बढ़िया बढ़िया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।